The state budget and its schemes presented by Chief Minister Siddaramaiah this year are being appreciated in different quarters, that with this many facilities are being provided for the people. In the Siddaramaiah budget, about 2,000 crore rupees were allocated for the minorities, which are to be spent on various schemes. In this budget, 360 crore rupees have been allocated to develop the minority colonies. Raising objections over this allotment of the budget, All India Mahila Congress Secretary Chaman Farzana said that no doubt the budget is highly commendable, but it would have been better if this amount is spent on educational development of minorities by establishing higher and excellent educational institutions for minorities. Chaman Farzana said, if the government develops slum areas, the condition of inhabitants, including Muslims, Dalits and other poor classes too will improvise. तो माइनॉरिटीज़ के लिए भी अच्छे प्रोग्राम्स हुए हैं, क्योंकि पहले एजुकेशन के लिए जैसा कि मोरारजी देसाई स्कूल्स को अपग्रेड करना है और लैंग्वेज लैबोरेटरीज बनाना है, क्योंकि मुसलमानों को क्या होता है ऑफिशियली इफ़ दे वांट टू टेक अप अ जॉब तब उनको कन्नड़ा लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ जाता है, इसीलिए वो दिल में रख के ये गवर्नमेंट ने लैंग्वेज लैबोरेटरीज डेवलप कर रहे हैं तो ये मद्देनजर किए हैं और IPS ट्रेनिंग, IAS ट्रेनिंग्स और JEE नीट ट्रेनिंग, CET ट्रेनिंग, ये सारे बहुत ही अच्छे स्कीम्स हैं। मुझे एक स्कीम थोड़ा फिशी लगा, वो है कि मुसलमानों की कॉलोनी डेवलपमेंट करने के लिए 360 करोड़ उन्होंने बजट में रखा हुआ है और मुझे ये नहीं समझ में आया कि मुसलमानों की कॉलोनी कहाँ है। मुसलमान तो सब जगह फैले हुए हैं और बहुत सारे मुसलमान स्लम एरियाज में रहते हैं और स्लम्स में जो मुसलमान रहते हैं उनको ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर आप स्लम्स को डेवलप करेंगे तो ज़रूर मुसलमानों का जो एरियाज जहां वो रह रहे हैं वो हाइजीनिक होगा, हेल्थी होगा और प्रेजेंटेबल होगा और उन खुशहाली ज़रूर आएगी उनके साथ साथ और कम्युनिटीज़ के साथ उनका आना जाना भी लगा रहेगा। ये मुसलमानों के स्लम डेवलप करने से सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दलितों के लिए, SCs के लिए, ST's के लिए, जो भी वेरी बहुत ही बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है उनके लिए भी हेल्प हो जाएगा। जो आपने 360 करोड़ बता रहे हैं वो अमाउंट पैसे यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस मुसलमानों के लिए निकाल सकते थे, क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे स्कूल्स हैं वो जो हिंदू मठा वैसे ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं अदर देन गवर्नमेंट स्कूल्स, तो यहाँ मुसलमानों को थोड़ा सीट मिलना मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो प्रोफेशनल्स कॉलेजेस है ऐसे कॉलेजेस मुस्लिम बच्चों के दिल में रख के कर सकते थे, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के जैसा, उसके लिए पैसे उन्होंने यूटिलाइज कर सकते, दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि एजुकेशन के लिए ज़्यादा तवज्जो देना बहुत नेसेसिटी है। Chaman Farzana further said that in the same way, the budget of 54 crore rupees allocated for the construction of marriage palaces, that Shadi Mahals, should be spent on educational upliftment works. जो भी रिपोर्ट्स दिए हैं, जो साचार कमेटी रिपोर्ट हो, राजेंद्र रिपोर्ट हो, सो मेनी रिपोर्ट्स आर देयर, वो सारे कह रहे हैं कि मुसलमानों में एजुकेशन लेवल कम है, ख़ास करके मुस्लिम गर्ल्स का एजुकेशन लेवल बहुत ही कम है, ड्रॉप आउट लेवल ज़्यादा है और डिग्री कॉलेजेस नहीं जा सकते और मैं प्रोफेशनल कॉलेजेस नहीं जा सकते। ये मेनली क्यों हो रहा है, ये बिकॉज वीमेन के लिए हमें गर्ल्स स्कूल्स चाहिए, हमारे में वेदर यू एक्सेप्ट आर नॉट मुस्लिम गर्ल्स नीड टू बी नो उनमें पर्दा करना वो सभी है और वो उन्हें ऊपर लाना है तो उन्हीं के दायरे में जाके उनके नेसेसिटी क्या है समझ के उस वैसे प्रोग्राम करने से वो कम्युनिटी को हम ऊपर ला सकते हैं। तो ये पैसे मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स एजुकेशन के लिए खर्च हो, गर्ल्स के इंस्टीट्यूशन लाओ, और मैं एक गर्ल्स कॉलेज में मैं पढ़ाती थी माउंट कार्मल कॉलेज में, मुझे आपको बहुत आई मीन यू मे गेट सरप्राइज, वहाँ 48% ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटीज़, दैट वॉज अमेजिंग। तो बिकॉज दैट इज़ अ गर्ल्स इंस्टीट्यूशन,
जो वहाँ सब कुछ है, आर्ट्स साइंस सब कुछ, सब स्ट्रीम्स हैं, इसीलिए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुसलमानों के लड़के आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छा सा एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशंस आप पूरे स्टेट में बनाएंगे तो गर्ल्स का एजुकेशन ज़्यादा होगा, और जब एजुकेशन बढ़ता है तो तरक्की अपने आप आ जाएगी। तो इसीलिए मुझे लगता है शादी महल मुसलमानों का तो इतना सिंपल रिचुअल्स है, जस्ट निकाह पढ़ना है बस। और हम देखते हैं कि बहुत सारे निकाह मस्जिद में भी हो जाते हैं, तो शादी महल की बहुत ज़्यादा शादी महल को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हम कम्युनिटी से कर लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को ये शादी महल ऐसी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देने के बगैर अगर उन्होंने एजुकेशन के लिए ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करेंगे तो, और एम्प्लॉयबल प्रोग्राम्स के लिए ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करेंगे तो अच्छा होगा।